किसी से मदद मांग ली बुरी नजर, सबसे पहली है औरत सेफ ही नहीं है इस मुआशरे में घर से बाहर ही निकलो वैसे ही मुआशरा शुरू हो जाता है। जी मेरी मैरिज तो हो गई थी लेकिन रुकती नहीं थी हुई, तो फिर ये बाबा साहब से कॉन्टेक्ट किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, दहेज वगैरह का सामान दिया, फिर रुकती हुई जाकर फिर रहे वहाँ पे, फिर वहाँ भी लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहे, सुकून नहीं मिला, शादी के बाद भी वही मसले मसाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ABHD TV। इसी के साथ मैं हूँ रिदा खान और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आइए आज हम चलते हैं और आज हम इन खातून से बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे इनके बारे में जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में आखिर कौन कौन से मसाइल जो हैं वो इस वक्त दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप पहले अपना थोड़ा सा तारुफ बताएँ नाज़रीन को, अपना नाम बताएँ। जी मेरा नाम आम है। आपकी जो अभी की जो लाइफ है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप इस वक्त फेस कर रही हैं, कौन सी मुश्किलात हैं जिनसे आप दरपेश हैं? मेरे वालिद नहीं हैं, हमारी सिर्फ अम्मी हैं, हम दो बहनें हैं और हमें वही देखती हैं, कोई आमदनी नहीं है, कोई हमारा बाप नहीं है, कोई हमारा भाई नहीं है। जैसे जिनके माँ बाप भाई होते हैं उनको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, जिनके भाई और बाप नहीं ना होते उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लोगों की बुरी नज़रें होती हैं, ज़रा सा किसी के साथ हंस लिया लोग बुरी नज़र से देखना शुरू कर देंगे, किसी से मदद मांग ली बुरी नज़र, सबसे पहले है औरत सेफ ही नहीं है इस मुआशरे में। जो मतलब जो मुआशरा है वो आपको लगता है कि आपको सही नज़र से नहीं देखता, वो आपको अच्छा नहीं समझता, जिस तरह माशरा दूसरे लोगों को देखता है, एक जो यतीम है उसको आप कह रहे हैं कि माशरा सही तरीके से नहीं देखता और माशरे का नज़रिया ही मुख्तलिफ है एक यतीम इंसान को लेके और एक आम इंसान को लेके जिसके एक बाप सहारा है या जिसके भाई हैं या इस तरह जो कफालत कर रहे हैं उसकी। जी तो जो आपके जो फैमिली है, जो आपके भाई बहन हैं या जो भी हैं, जो आपके सरबरा हैं, आपकी वो इस वक्त मदद कर रहे हैं या फिर कोई भी इस वक्त जो है वो आपकी मदद नहीं कर रहा? नहीं, हमारी कोई भी नहीं मदद कर रहा, सिर्फ हमारी वालदा है, वही काम करती हैं, जितना भी होता है हमें पेट भर खिलाती हैं, हमारी ज़रूरत का पूरा ख्याल करती हैं, किसी चीज़ की कमी ना आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी तो रह ही जाती है। जो काम माँ बाप और भाई के करने वाले होते हैं वो हमारी अम्मी खुद करके देती हैं हमें। तो जो आपको नहीं लगता कि आपको उनका सहारा बनना चाहिए और इस तरह? जी लगता तो है, चाहते तो हैं कि नौकरी मिल जाए, कि अच्छी सी जॉब मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिलती है, माँ की बाजू बन जाए, थोड़ी सी मदद हो जाती है घर में, वो अकेली कैसे घर संभालें। और जो आपकी जो अभी मैरिज लाइफ है वो कैसी चल रही है और किस तरह आपकी मैरिज हुई, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी मेरी मैरिज तो हो गई थी लेकिन रुकती नहीं थी हुई, तो फिर ये बाबा साहब से कॉन्टेक्ट किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, दहेज वगैरह का सामान दिया, फिर रुकती हुई जाकर फिर रहे वहाँ पे, फिर वहाँ भी लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहे, सुकून नहीं मिला, शादी के बाद भी वही मसले मसाइल। तो अब जो है आपको अपनी लाइफ से ऐसा मतलब आपका क्या मुतालबा है कि आगे जो आपकी लाइफ है आप उसको बेहतर करना चाह रही हैं, तो आगे आपकी ज़िंदगी से क्या मुतालबात हैं कि आपकी जो ज़िंदगी वो बेहतर हो सके, किस तरह बेहतर? यही समझते कि अच्छी सी नौकरी मिल जाए, कमाने का जरिया वसीला बन जाए, खुद खा सकें, खुद अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, अम्मी भी घर सुकून से बैठ सकें कुछ देर के लिए। आप एक लड़की हैं तो आपको महसूस होता है कि जो आप लड़की होने के तौर पे आपको क्या क्या मुश्किलात एज अ गर्ल जो आप माशरे में फेस कर रही हैं, माशरा एक लड़की को मतलब आपको एज अ गर्ल किस नज़रिए से देख रहा है? माशरे में घर से बाहर ही निकलो वैसे ही माशरा शुरू हो जाता है, बहुत गंदी नज़रें होती हैं, औरत भी मर्द भी सभी दे दे के बुरी बातें करते हैं, कोई अकेली औरत निकले घर से बाहर ही। तो हमारा जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, और जैसे अब इनको मदद की ज़रूरत है तो हम चाहते हैं कि जैसे जो जो लोग हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं
तो वो ऐसे लोगों को जो है इनको ढूंढें, इनसे रابطہ करें, इनकी मदद करने की कोशिश करें। हमारा जो नंबर है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं और आप उसके ऊपर رابطہ कर सकते हैं। आप इनकी जॉब के हवाले से भी हेल्प कर सकते हैं, या अगर वैसे भी अगर आप इनकी हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर رابطہ करें। जो हमारी टीम है वो आपका जो है, जो आपका मैसेज होगा या आपकी जो भी आप हेल्प करेंगे वो इन तक पहुँचाएगी। तो इंशाल्लाह आप इनकी मदद करने की पूरी कोशिश करें। जी नाज़रीन, अभी हमने इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में जाना और बहुत सी जो इनको लाइफ में मुश्किलात जो थी वो पेश थीं उनके बारे में भी हमने गुफ्तगू की। अब हम जानना चाहते हैं कि आप एज़ अ गर्ल या एज़ अ मतलब कि यतीम इंसान, आप क्या लोगों को अपना पैगाम देना चाहेंगी कि लोग जो हैं उससे कुछ सीख सकें या फिर लोगों को उससे कुछ मतलब फ़ायदा हो? यही देना चाहूँगी, ये जो बाप अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, जो माएँ अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में उन्हें फेस करना पड़ता है जिनके बाद छोड़ जाते हैं, माँ और बच्चों को सेव करना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और एज अ गर्ल मैं चाहती हूँ कि लोगों को अपना नज़रिया ठीक करना चाहिए ताकि एक लड़की घर से निकलते हुए अपने आप को सेफ महसूस करे। जी नाज़रीन, उन्होंने जो बात की कि लोगों को अपना नज़रिया बदलना चाहिए, तो ये इन्होंने बहुत खूब बात की, क्योंकि जो बहुत से लोग हैं उनका जो नज़रिया है एक लड़की को लेके वो बहुत ही मतलब ऐसा है कि एक लड़की जो है सेफ नहीं महसूस करती। अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें अजीब सा महसूस होता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, जो कि हर लड़की के माइंड में ये बात आती है। इनके माइंड में भी शायद ऐसी बात आती होगी कि मुझे लोग किस तरीके से जज कर रहे हैं या मुझे इस तरह देख रहे हैं, या मैं एक यतीम हूँ तो मुझे लोग अजीब सा मतलब समझ रहे हैं कि मैं एक यतीम हूँ या मेरे पास कोई सहारा नहीं है, तो मुझे वो जो है वो बुरा समझेंगे। तो इनके साथ ऐसी चीज़ें पेश आ रही हैं, तो मैं कहूँगी कि हमें जो है अपना नज़रिया बदलना चाहिए, और हमें ताकि हम माशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। और बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने अपना नज़रिया बदला, उन्होंने माशरे में एक चेंज लाया है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर लिया, और वो हमसे इस वक्त बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आपको भी चाहिए कि आप भी उन्हीं लोगों में शुमार हों, तो आप अपना नज़रिया जो है वो लोगों के मुतल्लिक जो है वो बदलें। इसी के साथ आज की जो है ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, और मज़ीद कंटेंट देखने के लिए, मज़ीद नई स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसी के साथ मुझे रिदा खान को दीजिए इजाज़त, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ अल्लाह निगेबान।